तो दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, पेटीएम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो अभी मैंने अपने स्क्रीन पे ट्विटर पर पेटीएम को ऑफिशियल पेज खोला है। तो पेटीएम ने अभी कुछ देर पहले इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, ट्वीट किया है कि अस्थायी रूप से हटाया गया है और अभी यह अनुपलब्ध है। तो आप लोगों का जो पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है और जल्द ही यह गूगल प्ले स्टोर पर लौट जाएगा। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि गूगल की तरफ से इनको नोटिस भेजा गया था पेटीएम के डेवलपर्स को कि ये पॉलिसीज़ का कुछ उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने नोटिस को मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी इस नोटिस के बाद, तो गूगल की तरफ से हटा दिया गया है। तो अभी मैं आपकी स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पर पेटीएम सर्च किया, तो देखिए पेटीएम का जो मेन ऐप है वो यहाँ पे नहीं है। बाकी जो पेटीएम के अदर्स ऐप हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे पेटीएम मॉल हो गया, पेटीएम बिजनेस ऐप हो गया, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन जो पेटीएम ऐप है मेन वो नहीं मिलेगा। जबकि मैं अपने फ़ोन पे अगर मैंने पहले से डाउनलोड किया था क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ पेटीएम, तो देखिए फ़ोन पे ये आपको मतलब फ़ोन पे ये चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चलेगा, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये अस्थायी रूप से यानी कि टेम्प्ररी अभी उपलब्ध नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको। तो दोस्तों अगर खबर आपको, वैसे तो ये खबर अच्छी नहीं है पेटीएम यूज़र्स के लिए, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना एक बार, ताकि उनको भी पता चल जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी मिलती रहे।